हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप बताऊंगा जो आपको अंडर 35,000 के प्राइस रेंज पे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, आज की लिस्ट में जितने भी लैपटॉप बता रहा हूँ, इसको आप अगर स्टूडेंट है तब भी ले सकते हैं, ऑफिस वर्क के लिए ले सकते हैं, बिजनेस पर्पज के लिए ले सकते हैं, इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ले सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में दोस्तों आपको गेमिंग और कोडिंग के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस पर्पज के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए लेना चाहते हैं तब आप इसको जरूर से ले सकते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी के लिए जो इसमें फीचर्स दिए गए वो आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। चाहे डिस्प्ले की बात करें, चाहे प्रोसेसर की बात करें, रैम और स्टोरेज की बात करें, या सारे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी फीचर की बात करें, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे। और इन सारे लैपटॉप्स की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से भी जाके इसके बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपका बजट 30,000 रुपीज है और उस बजट में आप एक बेस्ट लैपटॉप लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आपको आई बटन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं कौन सा टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स हैं जो आज के इस प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल रहे हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, आज के लिस्ट में जो पांचवें नंबर पर लैपटॉप आता है Asus की तरफ से। तो अगर आप एक इंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट लैपटॉप लेना चाहते हैं जिसमें डिस्प्ले आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाए, बाकी फीचर्स भी बढ़िया हो, तब आप इसको ले सकते हैं। और है Asus VivoBook K15। अब इस लैपटॉप की बात करें तो इसमें 15.6 इंच की फुल HD IPS पैनल OLED डिस्प्ले, जिसमें 600 nits की ब्राइटनेस, विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस प्री इंस्टॉल MS Office, 11 जनरेशन इंटेल कोर i3-3115G4 डुअल कोर प्रोसेसर, 4.1 GHz मैक्सिमम प्रोसेसर स्पीड, इंटेल USD इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसर, DDR4 रैम टाइप, 8GB रैम, 512GB SSD, Wi-Fi, ब्लूटूथ, वेबकैम, डुअल स्टीरियो स्पीकर और बैकलिट चिकलिट कीबोर्ड के साथ में 65 Wh की बैटरी और 1 ईयर की वारंटी के साथ में 35,890 रुपीज में आता है। लेकिन अभी इस पे 1,250 का कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी इफेक्टिव प्राइस 34,640 रुपीज हो जाती है। तो दोस्तों, इस लैपटॉप की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको एक OLED डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए जिसमें डिस्प्ले एकदम जबरदस्त देखने को मिल जाए, बैटरी बैकअप वगैरह भी बढ़िया हो, तब आप इसको ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको मैंने पांचवें नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि इसमें आपको डुअल कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर क्वाड कोर प्रोसेसर रहता तो ज्यादा बढ़िया रहता है, इसीलिए इसको मैंने पांचवें नंबर पर रखा। लेकिन हाँ, बैटरी के मामले में और डिस्प्ले के मामले में बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों, आज की लिस्ट में जो चौथे नंबर पर लैपटॉप है, ये उन लोगों के लिए है जो एक डेल की तरफ से बेस्ट लैपटॉप ढूंढ रहे हैं इस प्राइस सेगमेंट में, जिसमें सारे फीचर्स जबरदस्त देखने को मिले, तब आप इसको ले सकते हैं। और है डेल इंस्पिरॉन 3525 लैपटॉप। अब इस लैपटॉप की बात करें तो इसमें 15.6 इंच की फुल HD 120Hz रिफ्रेश रेट वाली नैरो बेजल डिस्प्ले, जिसमें 250 nits की ब्राइटनेस, विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस प्री इंस्टॉल MS Office, AMD राइजन 5 5500U, 6 Core 12 Thread प्रोसेसर, 4 GHz मैक्सिमम प्रोसेसर स्पीड, AMD रेडॉन इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसर, DDR4 रैम टाइप, 8GB रैम, 512GB SSD, Wi-Fi, ब्लूटूथ, वेबकैम, डुअल स्टीरियो स्पीकर, 41 Wh बैटरी के साथ में 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। प्राइस की बात करें 37,990 रुपीज में आता है। लेकिन अभी इस पे 1,000 का कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी इफेक्टिव प्राइस 36,990 रुपीज हो जाती है। तो दोस्तों, इस लैपटॉप की बात करें, इस प्राइस सेगमेंट में पहला ऐसा लैपटॉप है जिसमें आपको 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है उसके डिस्प्ले में, उसके साथ में जो प्रोसेसर दिया गया है, जो इसमें आपको रैम और स्टोरेज देखने को मिलता है, जो सारे कनेक्टिव फीचर है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन दोस्तों, इसकी जो प्राइस है वो 2,000 रुपीज ज्यादा है, आपको 37,000 के प्राइस रेंज पे देखने को मिलेगा। लेकिन ऑफर्स वगैरह के टाइम पे दोस्तों आपको 35,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक डेल की तरफ से बेस्ट लैपटॉप ढूंढे तब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, आज की लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे लैपटॉप आता है HP की तरफ से। तो अगर आप एक HP की तरफ से बेस्ट लैपटॉप लेना चाहते हैं इस प्राइस सेगमेंट में, जिसमें प्रोसेसर वगैरह, रैम और स्टोरेज, डिस्प्ले सब कुछ बढ़िया हो, तब आप इसको ले सकते हैं। HP 15 लैपटॉप। अब इस लैपटॉप की बात करते हैं, इसमें 15.6 इंच की फुल HD माइक्रो एज एंटीग्लेयर डिस्प्ले, जिसमें 250 nits की ब्राइटनेस, विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस प्री इंस्टॉल MS Office, 12 जनरेशन इंटेल कोर i3-1215U, 6 Core 8 Thread प्रोसेसर, 4.4 GHz मैक्सिमम प्रोसेसर स्पीड, इंटेल USD इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, DDR4 रैम टाइप, 8GB रैम, 512GB SSD, Wi-Fi, ब्लूटूथ, वेबकैम, डुअल स्टीरियो स्पीकर और फुल साइज कीबोर्ड के साथ में 41 Wh की बैटरी और 1 ईयर की वारंटी के साथ 35,990 रुपीज में आता है। तो दोस्तों, इस लैपटॉप की बात करें तो इस प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट रेटिंग के साथ में आता है। उसी साथ में दोस्तों, Asus लैपटॉप को छोड़ के बाकी जितने भी लैपटॉप बता रहा हूँ सारे आपको 6 Core प्रोसेसर के साथ में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप एक HP की तरफ से बेस्ट ऑलराउंडर लैपटॉप लेना चाहते हैं इस प्राइस सेगमेंट में, तब आप इसको जरूर से परचेस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आज के लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर लैपटॉप आता है Acer की तरफ से। अगर आप एक 16GB रैम, 512GB SSD वाला एक बिग रैम और स्टोरेज वाला लैपटॉप लेना चाहते हैं जिसमें डिस्प्ले वगैरह भी बढ़िया हो, तब आप इसको ले
सकते हैं। और यह एसर स्पायर लाइट, अब इस लैपटॉप की बात करें तो इसमें 15.6 इंच की फुल एचडी नैरो बेजल डिस्प्ले, जिसमें विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम, एमडी राइजन 5550U, 6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर, 4 GHz मैक्सिमम प्रोसेसर स्पीड, एमडी रेडॉन इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, DDR4 रैम टाइप, 16 GB रैम, 512 GB SSD, वाईफाई, ब्लूटूथ, वेबकैम, डुअल स्टीरियो स्पीकर जैसे फीचर के साथ, 5 वाट आवर की बैटरी और 1 ईयर की वारंटी के साथ में 35,990 रुपीज में आता है। लेकिन अभी इस पर 2,250 का कार्ड डिस्काउंट मिला है, जिससे इसकी इफेक्टिव प्राइस 33,740 रुपीज हो जाती है। तो दोस्तों इस लैपटॉप की सबसे अच्छी बात है कि सबसे कम प्राइस रेंज पे आपको इस लिस्ट में यही लैपटॉप देखने को मिलता है। उसके साथ में 16 GB रैम, 512 GB SSD के साथ में आता है और जो प्रोसेसर दिया गया है वो भी 6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो सारी चीजें इसमें बढ़िया देखने को मिलती है। तो अगर आप एक एसर की तरफ से बिग रैम और स्टोरेज वाला बेस्ट लैपटॉप ढूंढ रहे हैं तब आप इसको जरूर परचेस कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज की लिस्ट में जो नंबर एक पे लैपटॉप आता है लेनोवो की तरफ से, और दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट इसको आप एक वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप बोल सकते हैं, जिसमें सारे फीचर बहुत ही जबरदस्त है, रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है और है लेनोवो आइडिया पैड 1। अब इस लैपटॉप की बात करें इसमें 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, जिसमें 220 निट्स की ब्राइटनेस, विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस प्री इंस्टॉल MS ऑफिस, एमडी राइजन 5550U, 6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर, 4 GHz मैक्सिमम प्रोसेसर स्पीड, एमडी रेडॉन इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, DDR4 रैम टाइप, 8 GB रैम, 512 GB SSD, वाईफाई, ब्लूटूथ, वेबकैम, डुअल स्टीरियो स्पीकर और बैकलिट कीबोर्ड के साथ में 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। प्राइस की बात करें 35,990 रुपीज में आता है, लेकिन अभी इस पर 1,000 का कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी इफेक्टिव प्राइस 34,990 रुपीज हो जाती है। तो दोस्तों इस लैपटॉप की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि दोस्तों आपको एक वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स बहुत ही बढ़िया है, जो इसकी रेटिंग और रिव्यूज है वो भी बहुत ही बढ़िया है और आपको 35,000 के अंडर में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक लेनोवो की तरफ से बेस्ट लैपटॉप लेना चाहते हैं तब आप इसको जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप अंडर 35,000 रुपीज। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।